नमस्कार दोस्तों, NAS लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। अभी तक दोस्तों हमने फाइव एलिमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस किया है, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो पांच हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, अब इनकी क्लासिफिकेशंस होगी। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो होगी दोस्तों लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। हर एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को ओबे करे दोस्तों, वो एलिमेंट आपका लीनियर एलिमेंट होता है। तो ओम्स लॉ, अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लिखूं तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ प्लॉट करूँ तो जैसे जैसे मैं किसी पोटेंशियल को बढ़ाऊँगा वैसे वैसे मेरा करंट फ्लो बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल लीनियर रिलेशंस होगा। सिमिलरली, अगर मैं इंडक्टेंस के ओम्स लॉ की बात करूँ तो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा वी एल है और यहाँ पे हमारा डी आई बाई डी टी है। तो ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर मैं कैपेसिटर्स के ओम्स लॉ की बात करूँ तो वहाँ होगा दोस्तों आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो यहाँ जो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर्स। तो अगर मैं इसको यहाँ ग्राफिकली प्लॉट करूँ तो ये जो एक्सिस है ये डी वी अपॉन डी टी है और ये एक्सिस आपका आई सी है। तो हमें यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों लीनियर एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को ओबे करे, आर एल सी सारे के सारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। नॉन लीनियर एलिमेंट्स वो होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दोस्तों ये आपका डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ये इसका एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस है ताकि डायोड सेफ रहे। और यहाँ पे हमने कुछ इसको पोटेंशियल दिया है V और ये इस तरीके से यहाँ करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं हमारा जो डायोड करंट है वो इस कर्व को फॉलो करता है। तो दोस्तों ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो डायोड है ये नॉन लीनियर एलिमेंट है और ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। नाम से कुछ इंडिकेट होता है, एक्टिव यानी एक्टिव वही होगा जिसके पास एनर्जी होगी और पैसिव वो होगा जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स की। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों जो सर्किट्स में एनर्जी डिलीवर करें, यानी आपके वोल्टेज सोर्स, आपका करंट सोर्स, आपका BJT, ये EDC में हम कवर करेंगे दोस्तों। BJT क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और ओप एम्प। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स सर्किट्स में एनर्जी को डिलीवर करते हैं ना कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जब कभी भी आप किसी भी ग्राफ को स्टडी करेंगे, मान लीजिए ये वी आई ग्राफ है और वो एक्टिव एलिमेंट्स का अगर ग्राफ होगा तो हमेशा याद रखना दोस्तों वी अपॉन आई आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर वोल्टेज करंट ग्राफ किसी भी एलिमेंट्स का है और उस एलिमेंट्स का वी अपॉन आई रेशियो नेगेटिव है
तो वो एलिमेंट 100% एक्टिव एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कोई कर्व बनाता हूँ, कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ देखिए यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव है बट यहाँ पे जो करंट है दोस्तों वो आपका नेगेटिव है। तो वोल्टेज अपॉन करंट आपका नेगेटिव वैल्यूज़ होगा। तो जब भी इस टाइप का ग्राफ दिखे तो आप कहेंगे कि वो एक्टिव एलिमेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स की। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो नेटवर्क में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और इसमें जब भी आप V वर्सेस I का कोई ग्राफ देखें, तो मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, तो अगर V अपॉन I ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो आपकी पॉजिटिव आती है किसी भी कंसर्न एलिमेंट के लिए, तो वो एलिमेंट 100% पैसिव एलिमेंट होगा दोस्तों। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ देखेंगे किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे कि पॉजिटिव वोल्टेज है तो कंसर्न पॉजिटिव करंट है, तो वोल्टेज अपॉन करंट रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो वो एलिमेंट आपका पैसिव एलिमेंट्स होगा। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल एंड बाईडायरेक्शनल एलिमेंट्स। यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शंस में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, दूसरी डायरेक्शंस में सेम नहीं होंगी। बाईडायरेक्शनल यानी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स उसके डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है और मैं यहाँ पे एक डायोड बना देता हूँ और इस डायोड पे यहाँ एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस है और फिर मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। स्टार्टिंग में करंट कम होगा और उसके बाद करंट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हुआ जब डायोड आपका इस डायरेक्शन में कनेक्ट है और जो करंट फ्लो है वो भी आपका यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। लेकिन अगर डायोड की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं और ये रेजिस्टेंस आपका लिमिटिंग रेजिस्टेंस सेम रहने दूं और सेम पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करूं, तो दोस्तों इस डायरेक्शंस में अब जो करंट है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि डायोड अब रिवर्स बायस्ड में है और जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, बहुत ही ना के बराबर करंट मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब डायोड, ये कह सकते हैं कि डायोड आपका यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, क्योंकि डायोड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती हैं। अगर करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड साइड है तो इस टाइप का बिहेवियर होगा, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये आपका रिवर्स बायस बन चुका है। तो इसे कहते हैं दोस्तों यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स, डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों बाईडायरेक्शनल एलिमेंट्स। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया और ये 5 ओम का ही रेजिस्टेंस था, तो कायदे से कहाँ फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी 1 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, दैट इज 5 वोल्ट, ठीक है। अब अगर इस रेजिस्टेंस पे इस पोलैरिटीज को मैं अगर रिवर्स करूँ, ये आपका सेम रेजिस्टेंस है, इस पोलैरिटी को मैंने रिवर्स किया यानी अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, फिर भी जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो सेम रहेगा 5 वोल्ट, राइट। तो इस केस में वी आर आपका 5 वोल्ट है और इस केस में भी वी आर आपका 5 वोल्ट है, यानी रजिस्टर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगी। और ग्राफिकल फॉर्म्स में बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब भी आपका वोल्टेज करंट कर्व मेंशन है और अपोजिट क्वाड्रेंट्स में अगर सिमेट्री मेंटेन है तो वो कह सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स है, ये सिमेट्री है। अगर इस टाइप से है तो दोस्तों अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री है तो हम कहेंगे कि ये हमारा बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है। तो रेजिस्टेंस इज अ बाई डायरेक्शनल एलिमेंट एंड डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों बाकी के एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशंस एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल द नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।